सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, न्यू टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो ऑनलाइन ड्राइविंग लेसन का पार्ट वन। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑनलाइन ड्राइविंग लेसन का पार्ट वन बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का पार्ट टू है। इसमें मैंने आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको आप मेडिकल फॉर्म को कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डीएल के लिए ऑनलाइन कितनी फी पे करनी है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट कैसे बुक करना है। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ ही में इसे लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों फटाक से वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं न्यू टेक एडवाइस। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन एंड सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट की लिंक दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहां लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस। इसके नीचे देखेंगे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन। इससे पहले जो मैंने आप डीएल का पार्टन बनाया हुआ दोस्तों उसमें आपको फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है इसकी पूरी प्रोसेस बताई हुई है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट एंड स्कैन इमेजेस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, इसमें दोस्तों आपका जो फॉर्म ऑनलाइन किया हुआ है आपने उसमें जो एप्लीकेशन नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाक से अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों इसके सामने देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, इसमें दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाक से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक सबमिट का बटन है, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ दिखाई जा रही है, इसमें दोस्तों आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए। डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ओके का एक बटन है, आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके बटन में क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर वापस से आपकी डिटेल्स दिखा रहा है दोस्तों, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको तीन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो एज प्रूफ है, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसमें एड्रेस प्रूफ का आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें जो तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो फॉर्म वन है, फॉर्म वन जो पहले आपने प्रिंट आउट लिया था वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है दोस्तों, आपको वो वाला फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एज प्रूफ सिलेक्ट कर लेते हैं। एज प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ सामने देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रूफ, इसके सामने सेलेक्ट का एक बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन आने हैं, लेकिन इसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट ही लगाना है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज करना है SSLC सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों आपको आपके कॉलेज का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसमें दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें दोस्तों जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होगा, आपको वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद दोस्तों इसके सामने देखेंगे लिखा हुआ है इशू अथॉरिटी, इसमें दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू किया गया है, कौन से बोर्ड से इशू है, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है इशू डेट, इसमें दोस्तों आपके सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो JPEG फॉर्मेट में या फिर GPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी साइज दोस्तों मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए दोस्तों, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके फाइल को चूज करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो अपने फाइल को यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं कि आपसे कोई गलत फाइल तो नहीं अपलोड हो गई है। तो फिलहाल मेरी फाइल करेक्ट है दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ।
यहाँ पे दोस्तों हमारे एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब मैं वापस से डॉक्यूमेंट के नीचे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों आपको प्रूफ के नीचे सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड भी यहाँ पे सरकार ने अभी कंपलसरी कर दिया है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके सामने दोस्तों यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ, इसमें जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ आधार कार्ड का। इसके सामने देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा इश्यू अथॉरिटी, इसमें दोस्तों आपके आधार कार्ड को किसने इशू किया वो आप डाल दीजिए। इश्यू अथॉरिटी में दोस्तों मैं यहाँ पे UIDAI डाल देता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड UIDAI ही इशू करती है दोस्तों। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे इशू डेट लिखा हुआ है, आपका आधार कार्ड किस डेट में इशू किया गया है दोस्तों आपको वो यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाक से अपना इशू डेट यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको आपका आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। वापस से दोस्तों ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, आप चाहें तो वापस से यहाँ व्यू बटन के ऊपर क्लिक करके आपके आधार कार्ड को चेक कर सकते हैं कि आपसे गलत फाइल तो नहीं अपलोड हो गई है उसकी। आप अगर आपकी फाइल सही है दोस्तों तो आप कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमारे दो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे फॉर्म वन कोड अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म वन सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर वापस से सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी फॉर्म वन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर में आपके फॉर्म में जो एक नंबर लिखा होगा वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। नंबर डालने के बाद दोस्तों इसके आगे इशू अथॉरिटी है, जिसमें आपको गवर्नमेंट डॉक्टर लिख देना है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर ने ही उसे अटेस्टेड किया हुआ है। दोस्तों इशू डेट दिया हुआ है, इसमें दोस्तों आपने इस फॉर्म को जिस तारीख में अटेस्टेड करवाया है वो तारीख आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने अपने फॉर्म को स्कैन करके जहाँ पर रखा है वहाँ से ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वापस से आपसे कन्फर्मेशन मांग रहा है, इसको आपको कन्फर्म कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके फॉर्म के रिलेटेड जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो पहला पॉइंट है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसे भी हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमें अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए दोस्तों आपको फोटो एंड सिग्नेचर के सामने देखेंगे यहाँ पे रेडियो बटन बना है, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड का एक बटन है, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो स्कैन करके आपके कंप्यूटर में रख लेना है दोस्तों, और आपको एक कागज़ पे अपना सिग्नेचर करना है, उस सिग्नेचर को स्कैन करके आपके कंप्यूटर में सेव कर लेना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपके कंप्यूटर से यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। तो मैंने फोटो और सिग्नेचर दोनों स्कैन करके रखा हुआ है दोस्तों, अब मैं इसे अपलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे लिखा हुआ अपलोड फोटो, इसके सामने ब्राउज का एक ऑप्शन है, आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको फोटो को ब्राउज कर लेना है, यहाँ से आपने जहाँ पे भी अपना फोटो रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ ओपन बटन के ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ अपलोड सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर के सामने भी ब्राउज का एक बटन है, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपके सिग्नेचर को ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे जो फोटो मैंने अपलोड किया है दोस्तों उसकी साइज 20 KB से ज़्यादा है, इसलिए वो फोटो यहाँ पे नहीं ले रहा है दोस्तों। आप जो भी फोटो यहाँ पे अपलोड करें दोस्तों उसकी साइज 20 KB से कम होनी चाहिए, तो ये इस चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों मैं अब अपने फ़ोटो की साइज़ कम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोटो की साइज़ कम कर लिया, अब वापस से मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। फोटो एंड सिग्नेचर आप ब्राउज करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ अपलोड एंड व्यू फाइल्स, आपको अपलोड एंड व्यू फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे अपलोड एंड व्यू फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब दोस्तों आपका फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन मिल जाएगा, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। के बाद फिर दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट है फी पेमेंट, और पांचवा पॉइंट LL स्लॉट बुक, ये दोनों पेंडिंग है दोस्तों। आपका दोस्तों आपको ऑनलाइन फी पे करनी है, इसके लिए दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ फी पेमेंट, इसके सामने रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर वापस से आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद फिर दोस्तों ये आपको एप्लीकेशन फी के पेज पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपको एप्लीकेशन का नंबर दिया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इसके बाद फिर दोस्तों नीचे देखेंगे यहाँ पे फी की पूरी डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों मैंने मोटरसाइकिल विथ गियर और LMV के लिए अप्लाई किया है, तो इन दोनों की फी दोस्तों यहाँ पे 350 रुपये अभी फिलहाल के लिए बता रहा है। ये दोस्तों जो हो सकता है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे जो भी फी दिखाई गई है उस फी को आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करना है, आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, तो अगर तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा पे नाउ, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट को पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद दोस्तों अब आपके पास आखिरी काम बचता है, अब आपको टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर लेना है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ले लेना है। इसके लिए दोस्तों आपको वेबसाइट के होम पेज में आना है। होम पेज में आने के बाद दोस्तों आप यहां देखेंगे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सारथी सर्विसेज के सामने रेडियो बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, ये कोड आपको यहाँ पे डाल के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। ये जानकारी बनने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट स्लॉट बुकिंग के पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आप अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप RTO ऑफिस पे जा सकते हैं उस डेट का अपॉइंटमेंट वहाँ से आप निकाल लीजिए दोस्तों। अपॉइंटमेंट निकालने के बाद दोस्तों आप जिस भी डेट का अपॉइंटमेंट निकालेंगे उस डेट में आपको RTO ऑफिस में जाना है। और साथ ही में दोस्तों आपने जो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा है इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो प्रिंट आउट लेके जाना है। और इसके साथ ही जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको RTO ऑफिस में आपका टेस्ट वगैरह होगा। टेस्ट होने के बाद दोस्तों अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उसके एक महीने के अंदर आपके घर पे आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा दोस्तों। लर्निंग लाइसेंस आने के बाद दोस्तों उसको फिर वापस से आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। इसके बाद फिर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आपको लर्निंग लाइसेंस को कैसे ऑनलाइन करना है। लर्निंग लाइसेंस आने के बाद आपको DL के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन आएगी उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए दोस्तों। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।